नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राण शक्ति के बारे में, जिसे लाइफ फोर्स भी कहा जाता है। एक ऐसी ऊर्जा जिसका उपयोग अगर सही तरीके से किया जाए तो हम अपने प्रत्येक कार्य में सफल हो सकते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया लाल कलर में सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे हमारे दिव्य योग आश्रम के नए वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। आज के इस कलयुग में मन की चंचलता और मोह माया दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मनुष्य का अनियंत्रित मन उछल कूद करता रहता है। इसी कारण मनुष्य का सारा जीवन ही अव्यवस्थित हो जाता है। आकांक्षाएं, तमन्नाएं तथा पूरी दुनिया को पाने की चाहत तो होती है मनुष्य में, लेकिन मन में इच्छा शक्ति न होने के वजह से वो कभी सफल नहीं हो पाता। और ऐसी अवस्था में जिन्होंने उन्नति की है अपने क्षेत्र में, उनको देखकर ईर्ष्या बढ़ती रहती है। अपने भाग्य पर इनको रोना आता है। असफलता का दोष किसी न किसी पर ये डालते ही रहते हैं। इससे मन का स्वभाव ही बदल जाता है। ऐसे व्यक्ति इस कमी के रहते हुए अविवेकी, कम समय में सब कुछ पाने की आशा करने वाले, बाल बुद्धि, अविकसित और हर क्षेत्र में असफल रहने वाले बन जाते हैं। यानी आप जब अपने जीवन में सफल नहीं होते, हर काम में निराशा मिलती है, और अगर इस विषय की जड़ में जाना चाहें तो हम पाएंगे कि विचार शक्ति या मन एकाग्र न हो पाने की वजह से अपने कार्य में मनुष्य सफल नहीं हो पाता। गीता में कहा गया है, नियंत्रित मन ही सबसे बड़ा मित्र होता है और चंचल मन से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। अगर मन कमजोर है तो इसका अर्थ है प्राण शक्ति कमजोर है, क्योंकि प्राण शक्ति का मनुष्य के मन में बहुत बड़ा संबंध है। प्राण शक्ति से ही विचारों में बल मिलता है। अगर हम प्राण शक्ति की बात करें तो मनुष्य जब श्वास लेता है तब वातावरण में तीन चीजों को वह अपने अंदर खींचता है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा प्राण शक्ति, जिसे हम लाइफ फोर्स भी कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप सिर्फ ऑक्सीजन खींचेंगे तो आपकी बॉडी, आपका शरीर जल जाएगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लगती। इसलिए ऑक्सीजन के साथ मनुष्य वातावरण में स्थित नाइट्रोजन को भी खींचता है, जिससे शरीर जले नहीं। इसके साथ ही मनुष्य प्राण शक्ति को भी खींचता है। प्राण शक्ति सूर्य की रोशनी की वजह से हर जगह पर उपलब्ध है, पर हरी भरी घास तथा हरे भरे जंगल में अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। जब ये तीनों चीजें श्वास द्वारा शरीर में जाती हैं, तब ऑक्सीजन शरीर में जाकर अंदर की गर्मी यानी कार्बन को बाहर निकालता है और मनुष्य के खून को स्वच्छ करता है, और प्राण शक्ति श्वास द्वारा श्वास थैली में जाकर वहां से पूरे शरीर में फैल जाती है और शरीर के एक एक भाग में ऊर्जा प्रवाहित कर देती है। यही प्राण शक्ति मन मस्तिष्क पर तेजी से कार्य करती है। आपने देखा होगा कि व्यक्ति निराश व बीमार है तो कभी कभी डॉक्टर उसे हिल स्टेशन जाने के लिए सलाह देते हैं, और वहां जाकर रोगी को सचमुच अच्छा महसूस होता है, क्योंकि ऐसी जगह पर प्राण शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए वह अच्छा महसूस करता है। अगर किसी कारण से प्राण शक्ति मनुष्य को कम मिले या उसकी प्राण शक्ति कमजोर हो तो अलग अलग समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि मन की चंचलता बढ़ जाती है, काम पर ध्यान नहीं लगता, बिस्तर पर बैठे बैठे लाखों करोड़ों के सपने देखने की आदत हो जाती है, बार बार बीमार होने की आदत हो जाती है, बार बार नज़र लगती है, खाना हजम नहीं होता, आँख के नीचे काले खड्डे दिखाई देते हैं, चेहरा मुरझाया सा लगता है, नकारात्मक विचार आते रहते हैं, हर कार्य तथा हर व्यक्ति पर शंका करने की आदत हो जाती है, पारिवारिक क्लेश शुरू हो जाते हैं, बात बात पर झगड़ने की आदत हो जाती है, अपनी गलती दूसरों पर डालने की आदत हो जाती है, हर कार्य को अधूरा छोड़ देने की आदत हो जाती है, हीन भावना बढ़ जाती है, निराशा बढ़ जाती है, आत्महत्या के विचार आने शुरू हो जाते हैं, प्रत्येक कार्य में असफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इस तरह से प्राण शक्ति की कमी की वजह से बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं, और जब प्राण शक्ति शरीर में अत्यधिक होती है तब मनुष्य की एकाग्रता, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति पर तेजी से प्रभाव पड़ता है। इससे मनुष्य की सोचने की दिशा सकारात्मक हो जाती है। यही मनुष्य अपनी प्रतिभा के दम पर
असंभव कार्य तक कर डालते हैं तथा समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। जिस मनुष्य में प्राण शक्ति अधिक होती है उन्हें बहुत से लाभ मिलते हैं, जैसे कि ये जिस क्षेत्र में भी जाना चाहें उस क्षेत्र में ये आसानी से चले जाते हैं। ये अपने क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। ये अपने प्राण शक्ति के दम पर समाज को मार्गदर्शन भी देते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता मिलती है, इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है, संकल्प शक्ति बढ़ जाती है, आध्यात्मिक उपचार में सफलता मिलती है, बीमारियां नष्ट होने लगती हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, चेहरे का आकर्षण बढ़ जाता है, मार्केटिंग क्षेत्र में सफलता मिलती है, लोगों पर प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। आप जानते हैं कि प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करें। किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी या सोफा पर भी बैठ सकते हैं। आप जोर से श्वास अंदर खींचें, जितनी देर तक हो सके श्वास को अंदर रोक के रखें। अब एक ऐसा समय आएगा कि दम घुटना शुरू हो जाएगा, जब ऐसा महसूस हो या सहन ना हो तब श्वास को छोड़ें। इस तरह से यह अभ्यास 25 बार रोज करें। जब अभ्यास समाप्त हो जाए तब अश्विनी या वज्रुली मुद्रा अवश्य लगाएं। यह अभ्यास नियमित करना चाहिए। अश्विनी या वज्रुली मुद्रा के बारे में पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने से एक महीने के अंदर आप अपने अंदर अद्भुत परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। एक बार प्राण शक्ति को समझ लिया तो आप अपने जीवन में आने वाली बहुत सी अड़चनों को अपने से दूर रख सकते हैं। आशा है आप इस विधि को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम अलग अलग शहर में कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं या समाज में कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।